अभी एक प्रॉब्लम हो गया है गाइस, चाय ब्रेक लिया गया है और संदीप ने बच्चों के जैसा पूरा यहाँ पे चाय पी रखी है। Single, anyone want to mingle? I'm here. Hey guys, what's going? Welcome back to my YouTube channel. और अभी टाइम हो रहा है कितना टाइम कितना है? चार बजे अभी टाइम बज रहे अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4 बजे और हम लोग निकलने वाले हैं। और मैं जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ा रेडी हो चुका हूँ ऑलमोस्ट। और ये मेरे साथ जो मेरा हेल्प करने आया है तो ऊपर में ही रहता है बैग उग एकदम पैक करने में, क्योंकि मैं अकेला नहीं कर पाऊँगा। और मैं आपको मेरी प्रिपरेशन दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, एकदम मैंने कल रात 1:30 तक जग के ये प्रिपेयर करके रख दिया था और सिर्फ 2 घंटा सोया हूँ। पता नहीं राइडिंग में प्रॉब्लम हो कि नहीं, इसलिए ब्लैक कॉफ़ी ही पी रहा हूँ। सो चलो मैं रेडी होता हूँ फटाफट और यहाँ से बैग फिट करते हैं और निकलते हैं। संदीप हमारा वेट कर रहा है। चलो सो गाइस, अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और कुछ ऐसा लग रहा हूँ, देख सकते हो एकदम रेडी फुल टू ट्रिप के लिए। तो चलो अभी बाइक देखते हैं और बाइक स्टार्ट करके निकलते हैं। संदीप ऑलरेडी पहुंच चुका है अपने मीटअप पॉइंट पे और मेरा जाना बाकी है, जैसे कि मैं हमेशा लेट कर देता हूँ। तो चलो चलते हैं। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं और हमारे साथ है संदीप। तो चलो चलते हैं और जब थोड़ा उजाला होता है तो मैं आप लोग को व्यू दिखाता हूँ। अभी तो अंधेरा है, कुछ दिखा भी नहीं पाऊँगा। तो चलो चलते हैं। सो अभी हम लोग पहुँच, टाइम इज़ 5:30। सो अभी हम लोग है शिलोंग गुवाहाटी के हाईवे पे, ऑलमोस्ट हाईवे पहुँच चुके हैं और अभी धीरे धीरे अंधेरा ख़त्म हो रहा है। तो चलो निकलते हैं यहाँ से। मैं घर ही अभी, ये इसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गया हूँ क्योंकि मैंने राइडिंग बूट कभी लगाया नहीं है, तो इसके वजह से काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है मुझे ब्रेक उक मारने में। और ये नी गार्ड का साथ तो एकदम बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है यार। मैं घर ही अंदर डाल देता हूँ तो फिर शायद ये ग्लव्स पहनने में थोड़ा ईजी हो। पहले से मोटा हो गया मैं शायद यार, पहले पतला था, ये राइडिंग जैकेट मुझे अच्छा से फिट होता था। अभी जब मैंने रेन लाइनर और विंटर लाइनर फिर से इसमें लगा दिया तो अभी एकदम से टाइट हो चुका है अभी ये, पता नहीं क्यों। और ये ग्लव्स भाई, बैक की वजह से चढ़ने उड़ने में भी तकलीफ हो रहा है। तो मैं कुछ ऐसे टाइप से चल रहा हूँ बाइक में, ये देखो जैसे लॉन्ग एडवेंचर बाइक में चढ़ते हैं। नहीं हो रहा है ऐसे टाइप से कुछ तो, कोई नहीं धीरे धीरे आदत हो जाएगा। और कैमरा का एंगल, मुझे माइक भी अच्छे से लगाने का टाइम नहीं मिला ये नए हेलमेट पे, ये ठीक ही आ रहा होगा, थोड़ा नीचे कर देता हूँ। हाँ ये सबसे पहले तो ये राइडिंग बूट पहनने के बाद गियर कहाँ है समझ ही नहीं आता यार, तो थोड़ा बॉडी भी अटक गया इसकी वजह से। समझ में नहीं आता है कहाँ वो करूँ। सो चलो अभी मैं थोड़ा राइट पे ध्यान देता हूँ, आप लोग थोड़ा व्यू का मज़ा लेते रहो और व्लॉग एंजॉय करते रहो और क्या। स्काई क्या सुंदर लग रहा है गाइस, देखो सुबह सुबह ये तो लाइफ में चाहिए। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम हो गया है गाइस, मैं अपना आईफोन का चार्जर लाना भूल गया।
मैंने सुबह चार्ज में लगाया था बट उसका चार्जर में फिर से लगाना भूल कैरी करना भूल ही गया। और तो दूसरा फ़ोन का चार्जर है मेरे पास बट आईफोन का मैं भूल गया, तो अभी इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा वरना मैं अपना आईफोन यूज़ नहीं कर पाऊँगा। और जब तक गाइस मुझे इस बूट की आदत नहीं होती मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, ना मैं बाइक को अच्छे से लीन कर पा रहा हूँ ना ही थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे फील नहीं हो रहा। अभी हम लोग ने ले लिया फर्स्ट फ्यूल स्टॉप और अभी तक हम लोग ने कवर किया है 74.4 किलोमीटर जैसे कि आप देख सकते हो। पता नहीं इसका ऑडियो कैसा क्लियर आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा। और फ्यूल रेंज दिखा रहा है 570 किलोमीटर का और फ्यूल कंजप्शन दिखा रहा है 36, तो 36 अच्छा माइलेज है। तो चलो इधर से निकलते हैं। और बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, मैं अपना आईफोन का चार्जर लाना भूल गया, मैं पता नहीं कुछ मैनेज करना पड़ेगा संदीप से बात करके। तो फर्स्ट ऑफ 510, आप ऐसा ऐसा काउंट करते रहना तो एक बार में फ्यूल का एक्सपेंसेस निकल जाएगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। और ये मैग्नेटिक टैंक सच में वो बांध लेता जो इसके साथ स्ट्रैप्स आते हैं वो बांधने से ज़्यादा बेटर था, ये टेढ़ा हो जाता है। चलो संदीप के पास चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जोराबाट और हमारा फर्स्ट फ्यूल अप हो चुका है ख़त्म और अभी टाइम हो रहा है 6:41। और यहाँ से पर लेना पड़ेगा हमें राइट क्योंकि हम लोग जा रहे हैं नौगांव के रास्ते से। लास्ट टाइम मैं नौगांव के रास्ते से डोमिनार लेके गया था महामृत्युंजय मंदिर, फिर मेरे दोस्त का घर भी मैं गया था और ड्यूक लेके आज फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। और जैसे कि आप लोगों को मैंने बोला एक हो चुका है प्रॉब्लम, आईफोन का चार्जर मैं लाना भूल गया, अभी पता नहीं कैसे मैनेज होगा। लेट्स सी अगर कोई मोबाइल के शॉप पे अगर कोई मिल जाता है ऐसा केबल, दूसरे फ़ोन का चार्जर मैं लाया हूँ तो वैसा अगर कोई केबल मिल जाता है तो काम हो जाएगा, जो मल्टीपर्पज़ जो जिससे आईफोन भी चार्ज हो। ऐसा तो चार्ज करना नहीं चाहिए बट अभी क्या कर सकते हैं, कोई चल और कोई वो नहीं है। अभी 1800-1900 से आईफोन का चार्जर खरीदना एकदम वेस्ट ऑफ मनी होगा। और रास्ते में पूरा इंजन ऑयल गिरा हुआ है ट्रक का और एकदम अगर ये सबसे अगर जाओगे और टायर स्केट करेगा तो एकदम काम ख़त्म है। तो गाइस हमने अभी लिया है हमारा फर्स्ट स्टॉप और हम हैं नौगांव के रास्ते में, ये देख सकते हो मेरे पीछे और मेरे आगे है संदीप। तो बेचारा का हालत उलत ख़राब है एकदम, बोलते चाय पीने के लिए रुका है हम लोग। और चलो अभी मैं आपको हमारा बाइक्स दिखाता हूँ, तो उसके लिए बैक कैमरा ऑन करना पड़ेगा। और ये है मेरा बाइक और ये है संदीप का डोमिनार और ये मेरा ड्यूक 390। आप देख सकते हो कुछ ऐसा मैंने सामान लगाया है। तो चलो अभी चाय पीते हैं और फिर बात करते हैं। तो अभी चाय ब्रेक लिया गया है और संदीप ने बच्चों की जैसा पूरा यहाँ पे चाय गिरा दिया। देखो सर तुम्हारा गलती है भाई, मेरा गलती है ना। हाँ उसने बोला था ये दो वो बच्चा दो जैसा एकदम। अभी चाय की चुस्की लेते हुए सुबह के 8 बजे मजा आ गया। अभी हम लोग चलो अभी चाय पीते हैं और कंटिन्यू करते हैं हमारी चाय। तो अभी हम लोगों ने चाय पी लिया है और अभी हम लोग निकल रहे हैं तेजपुर की तरफ। नीगार्ड भी मैंने थोड़ा ठीक कर लिया है संदीप के साथ मिलके, टिकट भी थोड़ा ठीक है पहले से। तो और हमने अभी तक 122 किलोमीटर राइड कर चुके हैं हम लोग अभी तक। देखते तो चलो
चलते ब्रेकफास्ट हो गया और बे चलो निकलते और राइड तो अभी तक अच्छा ही जा रहा है, मजा ही आ रहा है, ज़्यादा स्पीड से भी नहीं जा रहे हम लोग, लाइक 80-90 के स्पीड में क्रूज कर रहे हैं क्योंकि अननोन रोड में ज़्यादा स्पीड चलाना भी ठीक नहीं होता। मैं ऐसे तो मैं जा सकता हूँ आराम से 120 तक जा सकता हूँ, बट आई डोंट थिंक सो ये करना चाहिए क्योंकि टाइम है अभी तक भी। अगर टाइम ओवर अगर हम लोग लेट होते तो एक बात था, बट आई थिंक सो वी आर ऑन टाइम। तो चलो चलते रहते हैं, ये तो सीधा रास्ता है, ये क्या दिखाना आपको। अगर कुछ अच्छा देखेगा तो मैं कैमरा श्योर ऑन करूँगा क्योंकि चार्ज भी बताना पड़ता है। एज यू नो GoPro Hero 7 का बैटरी बैकअप तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। चलो मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलता हूँ, तो आप इंजॉय करो। तो गाइस अभी हम लोग ऑलमोस्ट नोवा पहुँचने वाले हैं। 26 किलोमीटर कुछ दिखा रहा था, अभी रहा संदीप। तो अभी तक तो राइड में काफ़ी मज़ा आ रहा है। इस बार बस हम लोग सिर्फ दो जन ही आ पाए, हमारे साथ जो हमारा और एक दोस्त था संपत वो नहीं आ पाया, कुछ प्रॉब्लम हो गया इसे पर्सनल रीजन के वजह से। और ये मैग्नेटिक टैंक बैग ये स्ट्रैप वाला ही अच्छा है, ये मैग्नेटिक वाला कोई काम का नहीं है। 100 के ऊपर जाने के बाद ही ये इसका पूरा एकदम हिलने लगता है, बार बार इसको ठीक करना पड़ता है बाइक रोक रोक के, आप एक फ्लो में नहीं जा सकते, तो वही इश्यू हो रहा है। बाकी तो बाइक एकदम बढ़िया चल रही है, एकदम फट फट करके जा रही है और रास्ते भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के। लाइक बीच भी में थोड़े बहुत डाइवर्शन है क्योंकि रोड बन रहा है अभी भी, बट ऐसे तो रास्ते ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से हम लोग क्रूजिंग कर पा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट अभी हम लोग चला चुके हैं 156 किलोमीटर और हमारे ठीक 500 मीटर आगे है टोल गेट, और ये रास्ता शायद से काजीरंगा होते हुए जाएगा, हम लोग को काजीरंगा क्रॉस करना पड़ेगा। तो आज का हम लोग का जो प्लान है वो है दिरांग में स्टे करने का, तो देखते हैं अभी कितना हम लोग पहुंच पाते हैं कितना नहीं। और ये आ गया टोल गेट, इधर से निकल जाते भाई फटाफट। आई डोंट नो यहाँ पे स्पीड कैमरा है कि नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, अभी तक तो मैंने देखा नहीं एक भी। तो अगर कोई हो यहाँ से तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करना कि यहाँ पे स्पीड कैमरा है कि नहीं, तो मेरे जैसे जितने भी नए राइडर्स आ रहे हैं उनको इजी हो, पता चले, इन्फॉर्मेशन मिले। सो गाइस अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र ब्रिज, ये देखो देखो गाइस, और अभी काफी ज्यादा ऑफ रोडिंग करके आए हैं हम लोग, सिर्फ कैमरा मैंने ऑन नहीं किया और अभी तक हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया नहीं है, तो अभी थोड़ी देर बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। बस व्यू देखो, ऐसे व्यू देखने के लिए तो हम निकलते हैं घर से इतने सुबह सुबह इतना मेहनत करके, देखो रे भाई रात को तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लगता होगा। अभी हम लोग रुके थे होटल एंजल पे,
ब्रेकफास्ट करने के लिए और हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और संदीप ने खाया पराठा और मैंने खाया छाऊ। और ये रहा हमारा बाइक, आप लोग देख सकते हो, ये मेरी ड्यूक 390 और ये संदीप की डोमिना 250। और अभी संदीप बात कर रहा है, जो आई अरुणाचल में जाने के लिए आपको आईएलपी चाहिए तो वो आईएलपी बनवा रहा था किससे, तो उससे अभी बात चल रहा है, तो वो बोला एक साथ होटल भी बुक करके दे देगा तो हमारे लिए भी ईजी होगा। अभी उससे संदीप बात कर रहा है और देखता है अभी क्या, आईएलपी तो मिल चुका है बट होटल का कुछ देखते हैं कुछ हो सकता है क्या। तो खाना ठीक ठाक था, इतना भी बुरा नहीं, इतना भी अच्छा नहीं। संदीप ने तो बोला कि पराठा अच्छा ही था। सो चलो अभी इधर से निकलते हैं और मैं आपको आगे में मिलता हूँ, चलो बाय बाय। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं भालुकपुंग और मेरे आगे ये व्यू देखो भाई, आई डोंट नो आपको कितना दिख रहा होगा कैमरा में बट आंखों से ये क्या सुंदर लग रहा है यार, क्लाउड्स एंड पहाड़ ही पहाड़। और यहाँ से भालुकपुंग है 35 किलोमीटर और तवांग कुछ लास्ट मैंने जब देखा था 300 किलोमीटर बता रहा था और दिरांग दिखा रहा था 179 किलोमीटर। और हम लोग का आज का जो स्टे होगा वो होगा दिरांग में, तो हम लोग का भी और आई गेस 160 किलोमीटर जाना है, ये हम लोग आ गए वहीं से बहुत आगे। रास्ते तो अच्छे है अभी तक, भालुकपुंग 26 किलोमीटर मोड़ दिखा रहा है, रास्ते तो अच्छे है अभी तक, एकदम सीधे सीधे रहोगा इस व्यू। अभी मैंने एक मार्केट से, पता नहीं क्या मार्केट था वो, उधर से खड़ा तो मैं उधर से जो आईफोन का डाटा केबल है यूएसबी टू आईफोन वो ख़रीदा, समथिंग लाइक 200 रुपीज़ चार्ज पड़ा मुझे उसका। तो अभी कुछ टेंशन नहीं, और ये संदीप को देखो लेग गार्ड में पाव रख के चला रहा है बाइक, मज़ा तो आ रहा है गाइस, बट अगर हमारे साथ और भी लोग होते तो और मज़ा आता, बट एज यू नो ऐसे प्लान्स में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं होते, कीड़ा होना पड़ता है कीड़ा, वरना आप घर में बैठे रह जाओगे। और देखो बंदर 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 है ब्रो, बंदर हम अभी तक चला चुके हैं। ये देखो बंदर, ये देखो मंकी, ये देखो ये मंकी, इतने सारे मंकी है यहाँ पे तो। और हम यहाँ अभी तक चला चुके हैं 258 किलोमीटर और हमारी बाइक जो माइलेज दे रही है वो अराउंड 34 km/h की दे रही है, जो कि ड्यूक 390 से 34 km/h उससे ज़्यादा और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा और आप कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, बहुत अच्छी माइलेज है ब्रो, बहुत अच्छी। यहाँ पे ट्रक रोकने पड़ेगा थोड़ा, ये बूट के साथ गाइस मैं अभी तक कंफर्टेबल नहीं हुआ हूँ, तो ढेर सारे आर्मी ट्रक्स है। यस कुछ चेकिंग वेकिंग का सिस्टम है आगे, शायद बॉर्डर है कुछ चेकिंग वेकिंग का सिस्टम है, मैं थोड़ा आगे जाता हूँ। आर्मी ट्रक्स है गाइस, और आज की जो हमारी राइड रहेगी वो अराउंड 400 कुछ किलोमीटर्स की रहेगी, तो देखते क्या होता है क्या नहीं, ऐसा तो बहुत आ रहा है, बंदर भी देखने मिल गया। बस जा रहे कि रास्ते के बीच में ना आ जाए कभी, और कुछ मुझे टेंशन नहीं है, फिर सारे बंदर हैं देखो, यही टेंशन है मुझे कभी। तो अभी हम लोग राइड करते करते पहुँचे हैं, शायद ये काजीरंगा का कोई पार्ट होगा, काफ़ी सारे बंदर थे यहाँ पे और मैं और संदीप रुक गए ये व्यू देखने के लिए, कितनी मस्त व्यू है चेक करो, आई डोंट नो आपको कितना दिख रहा होगा ये वाला पार्ट। काफ़ी लोग यहाँ पे पिकनिक उकनिक कर रहे हैं, पानी भी बहुत साफ है, तो अगर आप कभी पिकनिक उकनिक करना चाहो, टाइम स्पेंड करना चाहो अपने लव वन के साथ तो आप यहाँ पर आ सकते हो, और अगर जो सिंगल लोग हैं वो अपने दोस्त लोग के साथ आ सकते हो।
तो ठीक है चलो अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं। और ये इसको देखो, इधर में भी शांति नहीं, इधर में भी लड़की लोग को मैसेज कर रहा है राइड में। अभी तो छोड़ दे, ये देखो ये भरवा लोग का कोई काम नहीं है, यही करता है ये लोग पूरा दिन। तो चलो राइड कंटिन्यू करते हैं। जलता है साला मजनू।